नीचे वाला जो रेड बटन आपको दिख रहा है चैनल, दिस इज फ्रेंड आलिया एंड आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ खरीदोगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज फ्रेंड आलिया। गाइज आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, रिव्यू करने वाली हूँ जो हेलो किटी के जो मेकअप ब्रशेस है उनका रिव्यू करने वाली हूँ एंड खरीदना चाहिए कि नहीं, अच्छा है या नहीं वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आने वाली है। अगर आप ये खरीदना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि आप ये ब्रशेस खरीदोगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि अच्छा है कि नहीं है, सो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज ऐसे पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुई है, छोटू वाला एक बॉक्स आता है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है हेलो किटी मिनी ब्रश किट मैटर्स नीडिंग अटेंशन प्लीज कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन आफ्टर क्लीनिंग ड्राई नेचुरली रूम टेम्परेचर प्रिजर्वेशन नो डायरेक्ट सनलाइट मटेरियल साइंस ये सब लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ग्रोनमा एनिमल हेयर वुडन हैंडल, जो हैंडल है वो वुडन है, वो सब इसमें जो डिटेल है इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए हुए हैं क्या करना है क्या नहीं। एंड गाइज ये हेलो किटी का पर्पल वाला है, ऐसे और भी कलर्स आते हैं, ब्लैक आते हैं और भी कलर्स आते हैं, सो मैंने यहाँ पर्पल वाला परचेस किया है। गाइज ये मैंने बहुत पहले ही परचेस किया हुआ है एंड मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है। सो आपको इसका जो सबसे पहले जो मैंने जैसे ख़रीदा था वैसे आपको दिख जाएगा पिक्चर में, लेकिन ऐसे अभी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। यूज़ मैंने इसलिए किया ताकि मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर सकूँ कि ये ब्रशेस मुझे कैसे लगे। सो इसी को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये ब्रशेस कैसे हैं कैसे नहीं हैं। सो गाइज इसमें आपको 7 ब्रशेस मिल जाते हैं, यू कैन सी द ब्रशेस मिल जाते हैं। एंड गाइज सबसे पहला यहाँ मैं देख रही हूँ ये जो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी वाला ब्रश है, यही थोड़ा अच्छा वाला लगा मुझे ब्रश जिससे मैं हाइलाइटर अपना ब्लश ये सब कर सकती हूँ, ये वाला मुझे थोड़ा ब्रश अच्छा लगा। एंड ये वाला जो है ना वो ये फाउंडेशन ब्रश है, सो इससे फाउंडेशन बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है, सो ये ब्रश भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। इन इस किट में जो है ना ये दोनों ब्रश मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। आपको 5 छोटू ब्रशेस मिल जाते हैं, सो इसमें से ये वाला जो है ये आई शेडो के लिए, ये वाला आई शेडो के लिए एंड ये वाला है जो आपको लिपस्टिक लगाने के लिए ये वाला ब्रश दिया गया है एंड ये वाला है आपके आईब्रो को शेप करने के लिए एंड आईलाइनर के लिए आपको ये ब्रश दिया गया है, आपका एंगल इसका देख सकते हो। एंड ये वाला जो है ये आपके आईलिड में जो आप लगाओगे ना, आईलिड में अगर कोई आपको ग्लिटर वगैरह कुछ आई शेडो लगाना हो ये वाला आपको काम आएगा। तो गाइस बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बट ये जो ब्रशेस है ना ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है लेकिन हार्ड है, मैंने यूज़ किया है। तो इससे अगर आप आई शेडो का जो ब्लेंडिंग ब्रश इसमें तो है ही नहीं पहली बात, तो हाइलाइटर ब्रश भी नहीं है एंड एक्स्ट्रा कोई ब्रश भी नहीं है कि आप हाइलाइटर लगा सकते हो, इसी से आपको ब्लश हाइलाइटर कॉन्टूर एवरीथिंग वन ब्रश बस दिया गया है। सो मुझे ये ब्रश इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो ब्रश है इसमें से आप सब नहीं कर सकते हो, सब करना है, कॉन्टूर भी करो ब्लश भी करो नहीं होता है। सो ये वाला फाउंडेशन वाला एक है एंड यहाँ जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ब्लेंड मतलब नहीं होता है, ब्लेंडिंग ब्रश जो अलग होता है वो फ्लफी होता है, यहाँ नहीं है वो ब्लेंडिंग ब्रश। ये जो आईलाइनर ब्रश है वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। गाइस बस इसमें 7 ब्रशेस हैं, ऐसे वाले पैकेजिंग में आता है बस और कुछ नहीं। अगर आपको अच्छी लग रही है ये ब्रशेस तो आप इसे बाय कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, लेकिन ये ब्रशेस मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। एकदम जिसको नहीं आता है मेकअप करना वो यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर मेकअप के लिए आप यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस मेकअप के लिए, बट अगर कहीं वेडिंग में कहीं पार्टी में जा रहे हो तो आपको ये ब्रशेस आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। कहीं पार्टी में जा रहे हो आप
आपको अच्छा वाला जो ब्राइडल लुक मेकअप चाहिए, फिर कुछ अच्छा वाला पार्टी मेकअप चाहिए, तो ये वाला जो मेकअप ब्रशेस है तो आपको बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, कि मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसको बाय करो। फिर भी अगर आप चाहते हो बाय करना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, आप जाके लिंक से बाय कर सकते हो। गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइज कमेंट जरूर करना कि ये ब्रश आप खरीदने वाले हो या नहीं। एंड बस मैं मिलती हूँ अगले और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।